अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शेजवान फ्राइड राइस। मैंने काट दिए हैं 5 लहसुन, 6 हरी मिर्चियाँ, आधा किलो बोनलेस चिकन को मैंने बॉईल करके 5 मिनट तक सीटी बजने के बाद से स्लो फ्लेम पे रख के प्रेशर कुक कर लिया था और अब उसको पानी सुखा कर श्रेड कर दिया। ये मैंने लिए हैं 2 पैकेट नूडल्स, आप हाका नूडल्स भी ले सकते हो। ये है 2 कप नूडल्स बॉइल्ड, मैंने इसको बॉईल करके फिर पानी के नीचे, ठंडे पानी के नीचे धो दिया और उस पर तेल डालकर टॉस कर दिया। ये है शेजवान चटनी जो मैं अभी फ्राइड राइस के लिए यूज़ करूँगी। ये एक बंडल स्प्रिंग ऑनियन है जिसके वाइट और ग्रीन मैंने अलग कर दिए हैं काट कर। कप तेल मैंने ले लिया है वॉक में, गैस ऑन कर रही हूँ। आधा किलो बासमती चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, पानी ड्रेन करके रख दिया है। तेल गरम करके मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और हरी मिर्ची। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंग ऑनियन की वाइट प्याज भी। वाइट प्याज डाल के इसको सौते कर लेना है। थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन क्यूब। चिकन क्यूब में मैंने डाल दिया है, अब मिक्स कर दूंगी मैं प्याज के साथ। इसमें मैं डाल दूंगी चिकन, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अजीनोमोटो। अजीनोमोटो डालकर मिक्स कर देंगे। सोया सॉस, फ्लेम एकदम स्लो पर है। हम इसमें अब डालेंगे 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस जो होममेड है। 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून और शेजवान सॉस। टोटल हो गए 5 टेबलस्पून शेजवान सॉस। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नूडल्स जो मैंने उबाल लिए हैं, अब ये भी साथ में मिक्स कर देना है। नूडल्स डाल के भी मिक्स कर दिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक डाल कर भी मिक्स कर लेंगे। नमक डाल के भी हमने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं आधा मिक्सचर इसमें से निकाल दूंगी। आधा मिक्सचर मैंने निकाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेरे उबले हुए चावल। जितना सूटेबल है इतने मिक्सचर के लिए उतने ही चावल डाल देना है। आधा किलो चावल मैंने पकाए थे उसका आधा मैं डाल रही हूँ। अब हम इनको मिक्स कर देंगे। राइस को हमने फ्राई कर दिया इसमें। अब मैं डाल रही हूँ, फ्राई हो चुके हैं चावल, हरी प्याज डाल रही हूँ। हरी प्याज डाल के भी हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स हो चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अगर आपको शेजवान सॉस और डालने हैं तो आप डाल सकते हो। शेजवान सॉस मैंने 5 टेबलस्पून डाला है, आप 6 से 7 टेबलस्पून भी डाल सकते हो टेस्ट के हिसाब से। चिकन शेजवान फ्राइड राइस रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।